देखो यार, अभी कुछ ऐसा हुआ है जिसके चलते प्रिंस को शायद पब्लिकली माफी भी मांगनी पड़ सकती है। अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो शायद उन पर लीगल एक्शन लिए जाएंगे। देखिए, पूरा का पूरा रोडी सीजन हो चुका है और जो चीजें रोडीज में हुई थी वो वहीं की वहीं दफन नहीं हुई है। जैसे जैसे टेलीकास्ट आते जा रहे हैं नए नए, वैसे वैसे भाई कॉन्ट्रोवर्सीज बढ़ती जा रही हैं। गौतम और प्रिंस की अभी रिसेंटली हुई कुत्ते और गाली को लेकर जहां पर प्रिंस ने काफी बड़ा बवाल खड़ा किया जब उसे पता चला कि भाई साहब गौतम ने उसे गाली दी है। और अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है कि भाई अपने जो सुशांत सिंह राजपूत थे उनको लेकर रिया की जो कंपनी है शायद उन्होंने एक वार्निंग भेजी है पब्लिक अपोलॉजी के लिए प्रिंस नरूला के पास, क्योंकि एक क्लिप में उन्होंने, और वो पुरानी क्लिप अभी की क्लिप भी नहीं है, उन्होंने कुछ पर्सनल क्वेश्चंस का अटेम्प्ट मारा था। जो ऋषभ बंदा है उसका ऑडिशन चल रहा था और वो भाई साहब कांड करके प्रिंस की गैंग में आना चाहते था, लेकिन भाई प्रिंस को एक सवाल का जवाब देना चाहते थे लेकिन वो दे नहीं पाए क्योंकि उनको पता नहीं था, जिसमें उन्होंने कुछ बोल दिया ऐसा कि रिया को लगा कि ये सुशांत की कंट्रोवर्सी को लपेट रहे हैं मेरे अराउंड। और अब देखते हैं प्रिंस की जो लीगल टीम उनका क्या कहना है। बट भाई टू बी फ्रैंक, मेरे को नहीं लगा कि उसमें प्रिंस ने कुछ ऐसा किया हो। प्रिंस ने कहा था मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लूंगा तुम्हें भी नहीं पता होगा तुम्हारे बारे में। बाकी जनता आप बताएं मुझे आपकी क्या राय है। मिलता हूं आपसे जल्द। बाय बाय।